फाइनली मैं एयरपोर्ट पे आ गया हूँ। यहाँ का एयरपोर्ट देख लो, दुबई का जिसने देखना है। ये बैग बैग लेके हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। 9:35 की फ्लाइट है, मिलते हैं फिर आपको सीधा कराची में। सामान वगैरह सब चेक हो गया है, एक दो चीज़ें भी ले ली हैं। टाइम इज़ टू शॉर्ट, अब चलते हैं सीधा प्लेन में और मिलेंगे वहीं पे। बहुत लेट हो रहा है, 9 बज चुके हैं, 9:35 पे फ्लाइट है, रास्ते भी मुझे मालूम नहीं है। दुबई एंड दुबई एयरपोर्ट इज़ सो ब्यूटीफुल मैन। हमने जाना है C11 में, अभी C11 C1 से C16 बिल्कुल सीधा है, तो मतलब यहीं पे आएगा C11। 2 3 1 2 3। और ये कंप्लीट चीज़ें इसलिए नहीं दिखाई है क्योंकि रोना कर रहे थे, कैमरा अलाउ नहीं है, मास्क पहनो, ये करो वो करो। मैंने बोला ठीक है भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है, हम आगे से व्लॉग कंटिन्यू कर लेंगे। एयरपोर्ट इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि जब मैं दुबई आया था तो मैंने पूरा एयरपोर्ट दिखाया था। जिसने वाला व्लॉग नहीं देखा जाके फिर से देख लो, उसमें कंप्लीट पूरा दुबई का एयरपोर्ट दिखाया। गेट नंबर है हमारा C11 और सीटिंग जोन है F। C11 पे मैं आ गया हूँ, अब वेटिंग कर रहे हैं कि F जोन आएगा और फिर जाएंगे हम प्लेन में। सब यहाँ से चले गए, ये मेरी बारी नहीं आई, उस्ताद कोई गड़बड़ लग रही है, किसी से पूछ लेते हैं। जैसे ही मैं खड़ा हुआ अपना पूछने के लिए, F का नंबर आ गया। ये रहा प्लेन का गेट और अब चलते हैं हम सीधा प्लेन में। फाइनली आपका भाई बैठ गया है प्लेन में और अब 10 से 15 मिनट बाकी है स्विफ्ट प्लेन को टेक ऑफ होने में, तो जब तक हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बैग रखा और ये हेडफोन्स क्योंकि मैं फिल्म देखूंगा आज, बड़ा मज़ा आने वाला है आज की फ़्लाइट में। आज की सीट मैंने ली है विंडो की तरफ, मैंने भाई को बोला मुझे सीट चाहिए विंडो की तरफ क्योंकि व्लॉग्स वगैरह VIP से बनाने। अब मैं लगा रहा हूँ फिल्म और पूरे रास्ते मैंने पाकिस्तानी फिल्म देखनी है। प्लेन चलने लगा है और उड़ने लगा है, बड़ा मज़ा आने वाला आज की फ़्लाइट में। आपका भाई कराची पहुंच गया, अब यहाँ से बैग लेने, बैग मिल गया, अब जा रहे हैं एग्जिट पे, असगर मेरा वेट कर रहा होगा। कराची आ गए भाई हम, कराची शोर बहुत हो रहा है यहाँ पे। मेरे पास सिम भी नहीं है कि मैं इनसे कांटेक्ट करूँ, अब ये लोग पता नहीं किधर हैं। असगर मेरे अब्बू को भी लेके आया है साथ में, मैंने बोला वाह, और मैंने कॉल की उसे, किसी और के नंबर से एक भाई मिल गए, उन्होंने कहा ये लोग कॉल कर लो, तो मेरे अब्बू ने उठाई, मैंने बोला वाह जी असगर वाह, क्या बात है तेरी, कॉन्टेक्ट मेरा उनसे हो गया है, बस आ रहे हैं, इधर पार्किंग है, अब असगर का वेट कर रहा हूँ मैं, फिर जाएंगे यहाँ से सीधा घर क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ, जाके मैं फौरन सोऊंगा। 10 मिनट से मैं खड़ा हूँ, ना मेरे पास बैलेंस है ना मेरे पास सिम है, और ये लोगों ने इतना लेट किया, कब से यहाँ पे खड़ा हूँ ये बैग लेके। फाइनली असगर मुझे लेने आ गया अब्बू के साथ, ये बैग को रखते हैं हम इधर, इसे करो बंद। वेलकम कराची वालों। वेलकम कराची वालों, कैसे हो आप लोग? ठीक, आपको कैसा लगा 1 महीने? कैसा लगा? सही लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा अकेले रहना। फाइनली मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ, असगर का बहुत शुक्रिया कि वो मुझे लेने आए। अब यहाँ से जाएंगे हम सीधा घर, घर हम आ गए, अब बैग को ले जाएंगे हम ऊपर। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, ठीक है सो रहे हो आप? आपकी जगह में नहीं सोया मैं, कल मेरा पेपर है। चलो अभी सो, आपके इंतजार में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अशर, क्या हाल है? अशर इधर सो रहा है और इससे मुलाकात हो रही है बहुत दिनों बाद। हेलो, ये सो रहा है, इसको सोने दो, इसको सुबह बताऊंगा कि मैं आ गया हूँ, नींद से उठ गया है और मुंह धो रहा है। थैंक यू। वाह भाई वाह, मेरे मुंह पे इसने यूं कराई हूँ, मेरे मुंह पे।
क्या लिखा हुआ है? वेलकम बैक। 3, 2, 1 वेलकम। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। अशर आप सुबह और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। अब असगर ये गिर गया। ये भी है क्या? केक है यार। अशर आपको केक नहीं मिला? आप मेरे लिए नींद से उठे हो। थैंक यू सो मच। एक के बाद कोल्ड ड्रिंक। वाह यार वाह। अभी मैं आया हूँ दोस्तों से मिलने। थोड़ा दोस्तों से मिलेंगे और थोड़ा कराची को घूमेंगे, याद करेंगे पुरानी मेमोरीज। तो अब इस व्लॉग को एंड करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।